देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा को जिस तरह हाईटेक के माध्यम से परीक्षा कराई जा रही है, उसी के तर्ज पर विश्वविद्यालय की परीक्षा भी हाईटेक परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे व वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से परीक्षा चल रही है। आपको बताते चले, इस हाईटेक परीक्षा को देखते हुए बहुत से विद्यार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया, जिससे यह पता चल रहा है कि इस वर्ष की परीक्षा को लेकर स्कूल व प्रशासन की सख्ती को देखते हुए परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ा। वहीं जिले के बर्डपुर में सिद्धार्थ महाविद्यालय में 407 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें कड़ी परीक्षा को देखते हुए 12 परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ दी। महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के अनुरूप ही परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे व वॉइस रिकॉर्डर व पुलिस प्रशासन भी इस परीक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद होकर परीक्षा करवाने में लगे हुए हैं। वहीं केंद्र व्यवस्थापक ने बताया कि विश्वविद्यालय के अनुरूप ही नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें कोई कमी नहीं होने दी गई है। परीक्षा पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक व सकुशल सम्पन्न कराई जा रही है। हमारा परीक्षा जो है वॉइस कैमरा लगे हुए हैं और इसके बाद कैमरे रिकॉर्डिंग है। परीक्षा जो है पवित्रता और शुचिता के अनुसार विश्वविद्यालय के मंशा के अनुरूप चल रहा है। शांति से परीक्षाएं हो रही हैं। अब तक कितने परीक्षार्थी आपके यहाँ परीक्षा रहे हैं? आज परीक्षा 407 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और जिसमें से 8 परीक्षार्थी अनुपस्थित। सिद्धार्थनगर से संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।